बैतूल से जहां पर पति ने पत्नी को आग के हवाले किया, पत्नी पर केरोसिन डालकर उस पर आग लगाई। आग से 40% महिला झुलस गई, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुल्तानी थाना क्षेत्र के लाखापुर गांव की पूरी घटना है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले किया। आग से 40% महिला झुलस गई है और गंभीर हालत में उसे अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं बैतूल से। ये मामला है जहां पर पति ने पत्नी को आग के हवाले किया है। आपको बता दें कि पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले किया है, उस पर आग लगाई है। साथ ही आग से 40% महिला झुलस गई है, जिसका इलाज अब अस्पताल में जारी है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसका इलाज जारी है और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं बैतूल से, जहां पर पति ने पत्नी को आग के हवाले किया है। पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले किया है, अब उस पर आग लगाई है। आग से पत्नी की बॉडी 40% झुलस गई थी, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहीं पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैतूल से लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पति ने पत्नी को आग के हवाले किया है। आपको बता दें कि केरोसिन के जरिए पत्नी पर केरोसिन छिड़क कर उसे आग के हवाले किया है। इस बीच पत्नी की 40% जो बॉडी है वो आग के हवाले हो गई थी, झुलस गई थी, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह से अभी फिलहाल पत्नी की जो हालत बताई जा रही है उस पर कुछ अपडेट? आपको बता दूं कि शराबी पर केरोसिन डालकर झुलस चुकी है और 40% जिसे प्राथमिक उपचार चिकित्सालय लाए, उपचार जारी है। प्रथम दृष्टि यह बात सामने आई है कि जो शराबी पति है वो अपनी पत्नी को पैसे को लेकर आए दिन विवाद कर रहा था। 3-4 दिन से ऐसे ही विवाद चल रहा था दोनों के बीच में, जिससे गुस्सा है शराबी पति ने अपनी ही पत्नी पर केरोसिन डाल दिया है, जिसका उपचार जारी है। हालांकि पुलिस ने मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो की कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। जी अमित, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।